हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज हम जेनेटिक्स के लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे जेनेटिक मैपिंग एंड जेनेटिक लिंकेज के बारे में, राइट। इससे पहले जो 7 लेक्चर्स हो चुके हैं जेनेटिक्स के, लेक्चर 1 से लेकर 7 तक, उसमें हमने जेनेटिक्स के बेसिक्स, क्रोमोसोम्स क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, उसके बाद हमने मेंडल के लॉज डिस्कस किए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, फिर हमने जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में पढ़ा, अपिस्टिसिस के बारे में पढ़ा, राइट। फिर हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा लास्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक लिंकेज एंड मैपिंग के बारे में, और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज के इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ओके। इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं लास्ट में, ठीक है। जेनेटिक लिंकेज और मैपिंग के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन जिस टाइप के सीएसआईआर में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जेनेटिक लिंकेज एंड मैपिंग। यहाँ पर जेनेटिक लिंकेज को शुरू करने से पहले हमें जो फंडामेंटल्स हैं कुछ हेरिडिटी के, कि कैसे ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बिहाइंड द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस दोज थिंग्स, दोज प्रिंसिपल्स, ओके। तो मेनली इसमें हमें 3 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है आपका यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो आपको पता है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। मेंडल ने सबसे पहले काम शुरू किया था जेनेटिक्स पे, है ना, और उन्होंने पाइसम सटाइवम के ऊपर अपना सारा एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। तो फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स, तो ट्रेट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, एनकोड कर रहे थे और ट्रांसफ़र हो रहे थे, उनको मेंडल ने फैक्टर्स का नाम दिया था, कि फैक्टर्स की वजह से एक स्पेसिफिक ट्रेट होता है, ओके। ये बात है 1865 की। उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये जो फैक्टर्स होते हैं दे अकर इन पेयर्स, है ना, पेयर्स में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें, तो उन्होंने क्रॉस जब कराया था तो वहाँ पर वो हाइट को रिप्रेजेंट करते थे टी से, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वो जो फैक्टर्स थे वो पेयर्स में थे, तो या तो कैपिटल टी हो सकता था, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता था, या स्मॉल टी हो सकता था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी, कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है और इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम उसमें नहीं जाएंगे, है ना। तो उन्होंने बताया था कि द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आर नोन एज फैक्टर्स, इट वॉज सेट बाय मेंडल इन 1865। और फिर उन्होंने बताया कि दे अकर इन पेयर्स, जो कि ऑलरेडी आपको समझ में आ चुकी है चीज़ें। और उन्होंने ये बताया था कि दे एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब क्या, इसका मतलब ये कि वो जो पेयर्स हैं उसमें एक जो उसका जो एक मेंबर होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। ये मेंडल ने बोला था कि दे एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव फॉर्म्स, राइट। कैपिटल टी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉल कैरेक्टर एंड स्मॉल टी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फ कैरेक्टर, राइट। बट जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं 1905 में, तब एक साइंटिस्ट थे विलहेल्म जॉनसन, ओके। 1905 में इन फैक्टर्स को उन्होंने नया टर्म दिया और उन्होंने बोला इनको जीन्स, ओके। उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर्स आप ऑब्जर्व करते हो किसी भी स्पीसीज में, किसी भी इंडिविजुअल में, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जीन्स, ओके। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को नया टर्म दिया, उसको उन्होंने बोला जीन्स। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। इट कैन बी हाइट, इट कैन बी बॉडी कलर, इट कैन बी कलर ऑफ योर आई, राइट। फिर उन्होंने बोला कि ईच वेरियंट ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर
कि जो अलील और जीन का जो टर्म है ये दिया गया विलियम जॉनसन के द्वारा, है ना। मेंडल ने इसको फैक्टर बोला था और इनको बोला था अल्टरनेटिव मेंबर्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी को, राइट। बट यहाँ पर जॉनसन ने इसको नया नाम दिया जीन का, और ये जो अलग अलग दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं इनको नाम दिया अलील्स का, मतलब एक अलील डोमिनेंट और एक अलील रिसेसिव, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेकंड, इसमें क्या बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंडल ओनली वन मेंबर ऑफ ए जीन पेयर फॉर्म गैमेट, है ना। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। उन्होंने क्या बताया था कि जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक जीन है, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। और आपको पता है कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइट के लिए, है ना। इसमें इस जीन में एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, मतलब एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, तो इसकी हाइट कैसी हो जाएगी, टॉल होगी। इस इंडिविजुअल की हाइट, इस प्लांट की हाइट, मान लीजिए कोई प्लांट की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम लिया था, और उस पाइसम सटाइवम में अभी ये वाला कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस प्लांट की हाइट कैसी हो जाएगी, टॉल, राइट। लेकिन जब वो गैमेट फॉर्म करते हैं तो आपको पता है कि एक गैमेट में एक ही अलील जाएगा, राइट। तो ये दो डिफरेंट टाइप के अलील्स बनाएगा, एक अलील्स एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा और एक गैमेट में स्मॉल टी जाएगा। तो आप यहां पर ध्यान से देखो कि जो जीन है वो तो हाइब्रिड नेचर का हो सकता है, ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटरोजाइगस हो सकता है, लेकिन जब ये गैमेट फॉर्म करेंगे तो गैमेट विल ऑलवेज बी प्योर, क्योंकि उसमें एक सिंगल अलील ही जाएगा, या तो वो कैपिटल टी हो सकता है या तो वो स्मॉल टी हो सकता है। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू मेंडल ओनली वन मेंबर ऑफ ए जीन पेयर फॉर्म गैमेट्स, एंड दैट्स वाई वी से दैट गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, राइट। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर थर्ड की, और थर्ड प्रिंसिपल क्या है कि जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ये भी बात आपको समझ में आ चुकी है, है ना। आप जब हम डिस्कस कर रहे थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वहां पर हमने क्या बात की थी कि मान लीजिए कि एक जीन है, है ना, ओके, मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, और उस इंडिविजुअल में दो कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, जैसे कि अगर प्लांट की बात कर रहे थे मेंडल के, जब हम मेंडल्स के लॉस को डिस्कस कर रहे थे, और वहां पर डिस्कस किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो याद करो कि वहां पर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल लेके समझा था। तो वहां पर हमने क्या बात की थी कि जैसे यहां पर सपोज करो कि हाइट के लिए जो जीन है वो है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता है। और कलर के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर एंड स्मॉल आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट कलर, है ना। तो यहां पर देखो कि दो इंडिविजुअल के बीच में आपने यहां पर क्रॉस कराया, राइट, एक इंडिविजुअल आपका ये और एक इंडिविजुअल ये, मतलब दो अलग अलग प्लांट्स लिए मेंडल ने और दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराई। तो यहाँ पर देखो कि जो एक पेरेंट है, ये वाला पेरेंट जो है ये प्योर है, है ना। प्योर का मतलब यहाँ पे दोनों ही जीन्स कैसे कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। सो द फिनोटाइप ऑफ द प्लांट इज टॉल एंड रेड, राइट। अब ये जब गैमेट बनाएगा तो गैमेट कैसा बनाएगा, एकदम प्योर बनाएगा गैमेट, उसमें कैपिटल टी और एक स्मॉल आर जाएगा। और जब ये वाला पेरेंट गैमेट बनाएगा तो उसमें एक स्मॉल टी और एक स्मॉल आर जाएगा, राइट। और फिर जब ये गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो एफ वन प्रोजनी में ये दोनों ही कैरेक्टर्स, ये दोनों ही अलील्स जाएंगे, मतलब डोमिनेंट वाले भी जाएंगे और रिसेसिव वाले भी जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका देखो यहाँ पर, इसमें जो जीन है हाइट के लिए और शेप के लिए दोनों ही हेटरोजाइगोटिक कंडीशंस में है, राइट। अब यहां पर आप ध्यान से समझो कि देखो, हम बात कर रहे थे कि जीन्स जो असॉर्ट होते हैं, मतलब जो ट्रांसफर होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं। इसका मतलब ये कि जैसे कि मान लो कि यहां पर अगर हम देखें तो इस पेरेंट में अगर देखो यहां पर ध्यान से कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर और कैपिटल आर है, ये जो आर है ये अलग जीन है और टी जो है वो अलग जीन का पेयर है, राइट। यहां पर दोनों डोमिनेंट वाले अलील्स हैं, दोनों ही जीन्स के डोमिनेंट वाले अलील्स हैं, लेकिन जो एफ वन प्रोजनी है यहां पर देखो
यहां पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर स्मॉल टी के साथ भी असॉर्ट हो सकता है और कैपिटल आर कैपिटल टी के साथ भी असॉर्ट हो सकता है, राइट। जैसे कि आप जब एफ टू जनरेशन के प्लांट्स को देखोगे यहां पर, तो देखो यहां पर कंपेयर करो, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, ये बिल्कुल आपके इस वाले पेरेंट की तरह दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप यहां पर देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये देखो, ये वाला देखो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो यहां पर जब इन पेरेंट्स के आप देखोगे तो यहां पर कैपिटल आर सिर्फ कैपिटल टी के साथ ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे जितने भी जनरेशन आएंगे उसमें दोनों डोमिनेंट अलील एक साथ रहेंगे, राइट। दोनों अलील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, कोई भी किसी के साथ भी जा सकता है। तो इसी को मेंडल ने बोला था कि जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर, राइट। इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो जब हम मेंडल के लॉस जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहां पर जाके इसको समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं लिंकेज की। व्हाट इज लिंकेज? तो देखो लिंकेज में क्या होता है कि जब जैसे कि अगर आप बात करोगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, है ना, जैसे मान लो कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, ओके, ये आपका एक क्रोमोसोम है और इस पर आपको पता है कि जीन्स अरेंज्ड होते हैं, है ना, ये जीन्स अरेंज्ड है, राइट। और ये है आपका दूसरा क्रोमोसोम, ओके, और कुछ जीन्स आपके इस वाले क्रोमोसोम पर अरेंज्ड है। यहां तक क्लियर है? अब देखो कि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, मतलब ये जो क्रोमोसोम है ये पेयर नंबर वन का क्रोमोसोम है और ये पेयर नंबर टू का क्रोमोसोम है, ऐसा मान के चलो। आपको पता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसमें टोटल कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से मान लो फर्स्ट पेयर का हमने एक क्रोमोसोम ले लिया ये, और सेकंड पेयर का एक क्रोमोसोम ले लिया हमने ये, है ना। तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं। अब देखो कि जब नेक्स्ट इंडिविजुअल में ये क्रोमोसोम्स जाएंगे, है ना, तो क्या होगा? तो जो जीन्स इस वाले क्रोमोसोम पर अरेंज्ड हैं, ये देखो ये सारे जीन्स जो इस क्रोमोसोम पर अरेंज्ड हैं, ये सारे एक साथ ही नेक्स्ट इंडिविजुअल में जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही क्रोमोसोम पर हैं। क्योंकि क्रोमोसोम, ये जो पूरा क्रोमोसोम है, ये तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम नेक्स्ट प्रोजनी में जाता है, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इस क्रोमोसोम का हाफ पार्ट नेक्स्ट में जाएगा और हाफ दूसरे वाले इंडिविजुअल में जाएगा, ऐसा नहीं होता, है ना। तो को पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही नेक्स्ट प्रोजनी में जाता है, राइट, और वैसे ही ये वाला क्रोमोसोम पूरा का पूरा नेक्स्ट प्रोजनी में जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो जीन्स, ये वाले जो जीन्स हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर अरेंज्ड हैं, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, और जब ये दूसरे प्रोजनी में जाएंगे, नेक्स्ट प्रोजनी में जाएंगे, तब भी ये सारे जीन्स एक साथ ही रहेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये वाला क्रोमोसोम वन किसी और इंडिविजुअल में चला जाए, मतलब मान लो कि एक पेरेंट है, उनके चार बच्चे हैं, तो आपको पता है कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, प्योर बनते हैं और गैमेट का कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है। तो मान लो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये अलग गैमेट में चला जाए और ये वाला क्रोमोसोम अलग गैमेट में चला जाए, तो ये इस पे जो जीन्स हैं वो अलग गैमेट्स में जाएंगे, इसके जो जीन्स हैं वो अलग गैमेट्स में जाएंगे, है ना। तो ये जो जीन्स इस वाले क्रोमोसोम पर अरेंज्ड हैं और ये जो जीन्स इस वाले क्रोमोसोम पर अरेंज्ड हैं, दे आर अनलिंक्ड जीन्स, है ना। तो लिंक्ड जीन्स और अनलिंक्ड जीन्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर अरेंज्ड होते हैं वो नेक्स्ट प्रोजनी में भी एक साथ जाते हैं, लेकिन जो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर अरेंज्ड होते हैं वो नेक्स्ट प्रोजनी में भी अलग अलग जाते हैं, दे ऑलवेज स्टे अनलिंक्ड विद ईच अदर, राइट। अब यहां देखो व्हाट इज लिंकेज? टू और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम
सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, राइट? ये आपको समझ में आ गया. एंड द ट्रांसमिशन पैटर्न ऑफ लिंक्ड जीन्स आर कॉल्ड लिंकेज. आपको बताया कि जब वो नेक्स्ट प्रोजनी में जाएंगे तो एक पूरा क्रोमोसोम जिस पे सारे के सारे जीन्स अरेंज है, वो पूरा क्रोमोसोम नेक्स्ट प्रोजनी में जाएगा तो उस पे जितने जीन्स सारे एक साथ अरेंज है वो भी एक साथ जाएंगे, तो वो हमेशा लिंक्ड रहेंगे. तो इसको लिंकेज बोला जाता है. यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझो. आपको पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में. तो मान लो कि ये आपका पेयर नंबर 1 है और ये पेयर नंबर 2 है. ऐसे ही आपके और भी पेयर्स होंगे ह्यूमंस में, जैसे पेयर नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 23 पेयर तक. तो उसमें से मान लो हमने 2 पेयर उठाए हैं यहाँ पर, पेयर नंबर 1 और पेयर नंबर 2, राइट? तो आपको ये पता है अच्छे से कि एक पेयर में जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर होमोलोगस विद ईच अदर, है ना? तो ये दोनों कैसे हैं? ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, है ना? होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. और ये दोनों दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, राइट? बट ये जो पेयर है, पेयर नंबर 1 एंड पेयर नंबर 2, दे आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, पेयर नंबर 1 और पेयर नंबर 2, इस पेयर में ये जो दो क्रोमोसोम हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ होमोलोगस हैं, और सेकंड पेयर में जो दो क्रोमोसोम हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ होमोलोगस हैं, राइट? वैसे ही 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन पेयर नंबर 1 और पेयर नंबर 2, दे आर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स विद ईच अदर, ठीक है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो जीन ए ये, और एक ये हो गया जीन बी, ये एक ही क्रोमोसोम पर है, ओके? और तो ये कैसे जीन्स होंगे? दे आर लिंक्ड जीन्स. तो ये क्रोमोसोम जब नेक्स्ट प्रोजनी में जाएगा तब भी क्या होगा कि वो ये दोनों जीन्स एक साथ ही रहेंगे, तो इसको बोलते हो लिंकेज. लेकिन अब यहां पर देखो ध्यान से कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये अलग गैमेट में जा सकता है, ये वाला क्रोमोसोम अलग गैमेट में जा सकता है, ये क्रोमोसोम अलग गैमेट में जा सकता है, और ये क्रोमोसोम अलग गैमेट में जा सकता है. तो अगर हम बात करें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की, तो ये जीन्स सी और डी ये इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होंगे. क्यों? क्योंकि ये अनलिंक्ड हैं ए और बी के साथ, क्योंकि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड है. तो अब आपको समझ में आ गया कि लिंक्ड जीन्स कौन से होते हैं, अनलिंक्ड जीन्स कौन से होते हैं. लिंक्ड जीन्स वो होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर एक साथ अरेंज होते हैं, और अनलिंक्ड जीन्स वो होते हैं जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर होते हैं, राइट? अब आगे चलते हैं. यहां पर देखो, यहां पर जो जीन्स का अरेंजमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है. एक होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन. तो सिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? व्हेन टू लिंक्ड जीन्स ऑन ईच क्रोमोसोम आर ऑफ सेम टाइप. इसका मतलब ये कि जैसे मान लो कि ये आपका एक पेयर 1 है होमोलोगस क्रोमोसोम का, है ना? इस पे देखो कि दोनों ही जीन्स कैसे हैं, डोमिनेंट फॉर्म में है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, राइट? और इसका जो होमोलोगस पेयर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर नंबर 1 है, दो क्रोमोसोम है, तो इस वाले क्रोमोसोम पर दोनों जीन्स कैसे हैं, डोमिनेंट है. और उसका जो दूसरा मेंबर है सेम पेयर का, इस पर जो दो अलील्स हैं दोनों कैसे हैं, रिसेसिव हैं. तो कपलिंग या सिस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, व्हेन टू लिंक्ड जीन्स ऑन ईच क्रोमोसोम आर ऑफ सेम टाइप, बोथ कैन बी डोमिनेंट ए कैपिटल बी, और बोथ कैन बी रिसेसिव स्मॉल ए स्मॉल बी, ओके? अब सिस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स कैरिंग द अलील इधर कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी आर कॉल्ड पेरेंटल कॉम्बिनेशन, है ना? पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में. ये इसका मतलब क्या होता है, जब अभी आप आगे लेक्चर को फॉलो करोगे तब आपको समझ में आएगा. अगर हम बात करें ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसको रिपल्सन कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है. इसमें क्या होता है कि व्हेन टू लिंक्ड जीन्स ऑन ईच क्रोमोसोम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. यहाँ पर देखो ट्रांस वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो अलील्स, आप दो जीन्स अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे आपको, ए और बी. इसमें से एक क्रोमोसोम पर एक तो डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है एक जीन का, और दूसरे जीन का रिसेसिव अलील प्रेजेंट है. वैसे ही आप यहाँ पर देखोगे कि एक जीन का रिसेसिव तो दूसरे का डोमिनेंट प्रेजेंट है. तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन कैसा कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन,
ओके चलिए इसके बाद हम चलते हैं। और हाँ, ये जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा जिस तरीके के ऐसे क्रोमोसोम जिस पे जीन्स का अरेंजमेंट ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, वो आपके रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स होते हैं, राइट। अब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखो, लिंक्ड जीन्स और अनलिंक्ड जीन्स के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया है। यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि व्हाट आर लिंक्ड जीन्स एंड व्हाट आर अनलिंक्ड जीन्स। तो लिंक्ड जीन्स में देखो, दे आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ये बात आपको समझ में आ गई है ना, एंड ऑल्सो स्टे टुगेदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ऐसे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम्स पर अरेंज होते हैं और जब उस क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तब भी वो सारे जीन्स एक साथ ही रहते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ऑल्सो, तो ऐसे जीन्स को लिंक जीन्स बोला जाता है। और अनलिंक जीन्स कौन से होते हैं, जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम्स, यू कैन से नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स एंड असॉर्ट, और यू कैन से ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स तो अलग अलग ट्रांसफर हो सकते हैं, अलग अलग गैमेट्स में जा सकते हैं, तो अनलिंक जीन्स का असॉर्टमेंट भी इंडिपेंडेंट होता है, राइट। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर हम बात करते हैं लिंकेज के बारे में थोड़ा डिटेल में, राइट, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है, लिंकेज पे। तो लिंकेज की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको, कि एक पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ जीन्स टू ईच अदर एंड टू ए स्पेसिफिक क्रोमोजोम। एक स्पेसिफिक क्रोमोजोम्स पर बहुत सारे जीन्स एसोसिएटेड होते हैं और उनका ट्रांसमिशन भी एक साथ होता है, तो इनको क्या बोला जाता है, लिंकेज। दे ट्रेवल टुगेदर ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमेट्स के फॉर्मेशन में भी दे ट्रेवल टुगेदर, दीज जीन्स स्टे टुगेदर बिकॉज दे आर लिंक्ड, है ना, एंड अराइव एट द सेम डेस्टिनेशन। सेम डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, कि मान लो कि चार जीन्स एक साथ थे एक पेरेंट में, और जब वो चारों जीन जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू गए और उन्होंने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए, तो वो चारों जीन्स ऑफस्प्रिंग में भी एक साथ पहुंचे, तो यही इसका मतलब है कि दे अराइव एट द सेम डेस्टिनेशन, एक साथ एक ही जगह पर पहुंचे। दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जो लिंक्ड जीन्स होते हैं उनका असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता, एक दूसरे से अलग नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ ही जाते हैं। दे डू नॉट ओबे द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने जो लॉ दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि जो दो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर सकते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं होते, फॉर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर दोनों अलग अलग जा सकते हैं, यह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन लिंकेज के केस में जब दो जीन्स लिंकेज शो करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते। ओके, यहां पर देखो ध्यान से, आपको क्लियर होगा कि जैसे कि आपको पता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अपनी बात करें, तो उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। ये हो गया आपका पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4, ऐसे ही 5, 6, 7 करते करते मान लीजिए पेयर नंबर 22। और 22 पेयर्स ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं आपके ऑटोसोम्स। ओके, 22 पेयर्स कौन से होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। और इसमें से जो ये 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर ये होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें कि आपका अगर आप बॉय हैं तो एक एक्स और एक वाई हो सकता है, और अगर आप गर्ल हैं तो दोनों एक्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर वाई भी हो सकता है या यहाँ पर एक्स भी हो सकता है, तो ये होता है 23rd पेयर, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे जेनेटिक्स के, तो आपको पता है कि मान लीजिए ये है पेयर नंबर 1, ओके,
किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो आपको ये पता है कि इसमें एक जो क्रोमोसोम होता है वो आपके फादर से आता है और ये वाला क्रोमोसोम मदर से आता है। वैसे ही हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से, एक मदर से, एक फादर से, एक मदर से, एक फादर से, एक मदर से, वैसे ही ये मदर से और ये फादर से। आपको पता है ये पैटर्न किस तरीके से ट्रांसफर होता है ना। अब देखो, जब मान लो कि ये क्या है, एक बॉय होगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम कैसा है, एक्स, और एक क्रोमोसोम है वाई, राइट। अब जब इसके गैम जब जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, ओके, और जब ये बॉय, जब ये मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, तो देखो ये भी अपने इन दोनों क्रोमोसोम्स में से एक ही क्रोमोसोम को नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में भेजेगा, या तो इसको भेजेगा या तो इसको भेजेगा, है ना। क्यों? क्योंकि दूसरा जो क्रोमोसोम है एक पेयर का, वो आएगा फीमेल से। ये एक ही क्रोमोसोम को भेज सकता है एक पेयर से। यहां तक क्लियर है ना। तो देखो, या तो इसको भेज सकता है या तो इसको भेज सकता है, राइट, या तो इसको भेजेगा या तो इसको भेजेगा, वैसे ही या इसको भेजेगा या इसको भेजेगा, है ना। तो ये दो तरीके के गैमेट्स बना सकता है, राइट। एक्चुअली दो नहीं, बहुत सारे टाइप के गैमेट बना सकते हैं। जैसे कि मान लो एक गैमेट इसने बनाया जिसमें एक क्रोमोसोम ये वाला, एक क्रोमोसोम ये वाला भेज दिया, दूसरे दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का ये वाला भेज दिया, तीसरे वाले का ये भेज दिया, चौथे का ये भेज दिया, पांचवे का ये भेज दिया, ऐसे। बट और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि एक नेक्स्ट गैमेट में, दूसरे वाले गैमेट में एक ये भेजा, तो उसके साथ ये भेजा, फिर ये भेजा। तो अलग अलग पेयर्स में से कोई सा भी रैंडम क्रोमोसोम गैमेट्स में जा सकता है। तो अब आप इसे समझो कि कितने डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बना सकता है एक इंडिविजुअल, है ना। तो यही होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब यहां पर ध्यान से समझो कि लिंक्ड और अनलिंक्ड का कंसेप्ट क्या है। तो जब ये वाला पूरा क्रोमोसोम तो एक साथ जाएगा, जहां भी जाएगा, जिस भी गैमेट में जाएगा, और ये अलग गैमेट में जाएगा, मान लो वैसे ही ये एक अलग गैमेट में जाएगा, ये अलग गैमेट में जाएगा, वैसे ही ये अलग गैमेट में जाएगा, ये अलग गैमेट में जाएगा, है ना। तो जो जीन्स इस पे अरेंज्ड होंगे ये तो एक साथ जाएंगे, राइट। जो जीन्स इस पे होंगे अरेंज्ड ये एक साथ जाएंगे, लेकिन जब आप इस क्रोमोसोम को और इस क्रोमोसोम को कंपेयर करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये सारे जीन्स इसके साथ ही ट्रेवल करें। ये किसी भी गैमेट में जा सकते हैं, ये किसी भी गैमेट में जा सकते हैं, बिकॉज दे आर अनलिंक्ड, बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। चलिए इसके बाद यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, यहां पर आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। इसमें हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे इनहेरिटेंस को, राइट, लिंकेज को, और ये भी समझेंगे कि कैसे कुछ जीन्स लिंक्ड होते हैं, कुछ अनलिंक्ड होते हैं, कैसे लिंक्ड जीन्स एक साथ ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और कैसे अनलिंक्ड जीन्स ट्रांसफर नहीं होते। तो एक ओवरऑल आपको यहाँ पर बहुत कुछ समझ में आने वाला है एक साथ, उसको इस स्लाइड को बहुत ध्यान से समझिए। तो जस्ट सपोज कि एक पेरेंट है जिसमें एक फादर है, एक मदर है, राइट। अब आपको पता है कि यहाँ पर देखो कि ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो मान लीजिए ये है आपका पेयर नंबर 1, दिस इज पेयर नंबर 2, दिस इज पेयर नंबर 3, 4, ऐसे ही करते करते पेयर नंबर 22, ओके। आपको पता है कि 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और लास्ट वाला जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, राइट, जिसमें आपका या तो एक्स हो सकता है या एक्स वाई हो सकता है, क्योंकि यहां पर फादर है तो एक होगा एक्स और एक होगा वाई। तो दिस इज एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज वाई क्रोमोसोम। इसका क्रॉस कराया मदर से, है ना, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जिसमें पेयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते पेयर नंबर 22 तक, और इसमें ये एक हो गया एक्स, दूसरा भी एक्स, क्योंकि मदर में दोनों क्रोमोसोम्स एक्स होंगे, राइट। अब आपको पता है कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन,
तो फादर से जो गैमिट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हर एक गैमिट में, हर एक गैमेटिक सेल में, हर एक गैमेटिक सेल में हर एक पेयर से एक ही क्रोमोसोम जाएगा, है ना। पेयर नंबर वन से देखो, इसमें ये वाला क्रोमोसोम गया, इस वाले गैमेट की अगर हम बात करें। पेयर नंबर टू से ये वाला क्रोमोसोम गया है, पेयर नंबर थ्री से ये वाला क्रोमोसोम गया है, पेयर नंबर फोर से ये वाला गया है, एक गैमेट की। दूसरे गैमेट में अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब पेयर नंबर वन से ये वाला जा सकता है तो पेयर नंबर टू से ये वाला जा सकता है, पेयर नंबर थ्री से ये वाला जा सकता है। और भी अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कि अगर पेयर नंबर वन से ये गया तो पेयर नंबर टू से भी ये गया, लेकिन पेयर नंबर थ्री से ये चला गया, फिर पेयर नंबर फोर से ये चला गया। तो बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं गैमेट्स के, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर दो तरीके के गैमेट्स लेकर चलते हैं, एक तो ये बन गया, दूसरा गैमेट्स, दूसरे टाइप का गैमेट ऐसा बन सकता है जिसमें कि क्रोमोसोम जो आए पेर फादर से, जो क्रोमोसोम्स आए गैमेट्स में, इस वाले गैमेट में देखो, यहाँ पर इस वाले गैमेट में यहाँ पर ये वाला क्रोमोसोम आया फर्स्ट पेयर से, ये वाला क्रोमोसोम आया सेकंड पेयर से, ये वाला क्रोमोसोम आया थर्ड पेयर से। इसी तरीके से अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम से या तो एक्स जाएगा या तो वाई जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पर कि इस वाले गैमेट में एक्स क्रोमोसोम आया है और इस वाले गैमेट में वाई क्रोमोसोम आया है। तो अब यहां से जायगोट में जो गैमेट जाएगा, अगर एक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट जाता है तो चाइल्ड कैसा होगा, चाइल्ड कैसी होगी, फीमेल। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट जाता है तो चाइल्ड कैसा होगा, मेल। ये चीजें आपको पता है, ये काफी बेसिक है ना। इसको ओवरऑल आपको अपने दिमाग में ये पिक्चर रखनी है कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है, किस तरीके से क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं, है ना। यहाँ पे एक तरीके से आपको थोड़ा बहुत सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में भी पता चल जाएगा, राइट, कि एक्स एक्स होगा तो फीमेल, एक्स वाई होगा तो मेल, राइट। वैसे ही अगर मदर से गैमेट बनेंगे तो सेम उसी तरीके से बनेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन के गैमेट्स बन सकते हैं, है ना। फर्स्ट पेयर से ये वाला भी क्रोमोसोम आ सकता है या ये वाला आ सकता है, वैसे सेकंड पेयर से या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। चांसेस रैंडम होते हैं, चांसेस दोनों ही क्रोमोसोम के गैमेट में जाने के 50-50% होते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट्स आर पॉसिबल, राइट। अब देखो यहां पर ध्यान से क्या होगा कि जब फ्यूजन होगा, जब जायगोट का फॉर्मेशन होगा, तो ये वाला जो गैमेटिक सेल है वो या तो इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है या तो इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, समझ रहे हो चीज को। और ये वाला जो गैमेटिक सेल है वो इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है या तो इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो अब यहां पर ध्यान से समझो कि जो जायगोट बनेगा कितने अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसीलिए जो वेरिएशन आती है ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग अलग दिखाई देते हैं, वो इस तरीके से ही पॉसिबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि एक तो गैमेट का कॉम्बिनेशन अलग अलग टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, दूसरा जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो अलग अलग टाइप के गैमेट्स फ्यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जब जब ऑफस्प्रिंग आता है, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ अलग दिखाई देता है, हूबहू एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह दिखाई नहीं देता। तो ये रीजन है इसके पीछे का, राइट। अब देखो, जब ऑफस्प्रिंग आएगा, मतलब जब नेक्स्ट जनरेशन में, या तो लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, या तो मेल हो सकता है तो फीमेल हो सकती है। कैसे? अगर यहाँ से जो जायगोट बना, मान लीजिए ये जो जायगोट बनेगा, अगर मान लीजिए इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, वन नंबर वन गैमेट, नंबर टू गैमेट, नंबर थ्री गैमेट, नंबर फोर गैमेट। तो अगर वन वाला गैमेट टू वाले गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, मतलब वन टू का अगर कॉम्बिनेशन बनेगा, तो देखो यहाँ पर भी एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी एक्स क्रोमोसोम है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये चाइल्ड कैसा कैसी होगी, फीमेल चाइल्ड, है ना। अगर वन वाला गैमेट फोर्थ वाले के साथ फ्यूज करेगा तब भी कैसी होगी, फीमेल होगी। अगर थर्ड वाला सेकंड के साथ करेगा, टू और थर्ड, तो ये कैसा होगा, मेल चाइल्ड होगा, मतलब बॉय होगा। और अगर थर्ड वाला फोर्थ के साथ करेगा तो भी मेल होगा, राइट। तो जब ऑफस्प्रिंग आता है, नेक्स्ट जनरेशन आता है, तो चांसेस 50-50% होते हैं, याद रखना। देखो यहाँ पर कि 50% फीमेल होने के चांसेस हैं, 50% मेल होने के चांसेस हैं। ये इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में, यहाँ पर बस मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ।
राइट। बट मेनली हमारा कंसर्न क्या है कि यहाँ पर जो जीन्स इस वाले क्रोमोजोम पर अरेंज्ड हैं वो नेक्स्ट प्रोजनी में ये सारे जीन्स एक साथ ही रहेंगे, लेकिन जो जीन्स यहाँ अरेंज्ड हैं हो सकता है कि ये वाले इनसे अलग चले जाएं, ये वाले अलग। तो जो अलग अलग क्रोमोजोम पर जीन्स हैं वो अनलिंक्ड जीन्स हैं और वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो जीन्स एक साथ अरेंज्ड होते हैं एक ही क्रोमोजोम पर वो हमेशा लिंकेज ही शो करेंगे। अभी तक आपको ये समझ के चलना है, आगे कुछ और चेंजेस आएंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब यहाँ से जो नेक्स्ट जनरेशन ओगोस में या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकती है, डिपेंड करता है कि सेक्स क्रोमोजोम में से कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है। और ये जो आए हैं पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 22 तक, इनका भी अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनकर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में या बॉय हो चाहे गर्ल हो अलग अलग कॉम्बिनेशन जा सकता है, राइट। अब हम चलते हैं आगे। यहां पर अब लिंकेज आपको बहुत हद तक समझ में आ चुका है, तो एक टर्म होता है लिंकेज ग्रुप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिंकेज ग्रुप क्या होता है, ह्यूमंस में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, ह्यूमंस में अगर स्पेसिफिकली हम मेल की बात करें तो कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, फीमेल्स की बात करें तो कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर लिंकेज ग्रुप क्या होता है, पहले ये समझो, जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, ये आपको पता है ऑलरेडी, है ना। जितने भी मान लीजिए कि ये क्रोमोजोम है, इस पर जितने भी जीन्स अरेंज्ड हैं ये सारे जीन्स कैसे हैं, लिंक्ड जीन्स हैं, दे आर ऑल लिंक्ड विद ईच अदर, राइट। अब ऑल लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोजोम बिलोंग्स टू सेम लिंकेज ग्रुप, इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर क्रोमोजोम पर जितने भी जीन्स हैं ये सारे एक साथ लिंक्ड हैं, इसलिए ये एक ही लिंकेज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दे ऑल दीज जीन्स बिलोंग टू सेम लिंकेज ग्रुप। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, जितने टाइप्स के क्रोमोजोम्स होंगे किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी स्पीसीज में उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे, ओके। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल लेके ह्यूमंस का, ह्यूमंस में भी मेल और फीमेल का, क्योंकि मेल में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप अलग होते हैं और फीमेल में नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप अलग होते हैं। अगर आप मेल की बात करोगे तो मेल में आपको पता है कि कितने पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो 23, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही करते करते 22, एक होता है एक्स और एक होता है वाई क्रोमोसोम, राइट। तो देखो ये दोनों जो क्रोमोजोम्स हैं ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं, मतलब जो जीन यहाँ प्रेजेंट होगा उसी ट्रेट का जीन यहाँ प्रेजेंट होगा। डिफरेंस क्या हो सकता है कि एक डोमिनेंट हो सकता है तो दूसरा रिसेसिव हो सकता है, या दोनों यहाँ पर भी डोमिनेंट हो सकता है या यहाँ पर भी रिसेसिव हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही ट्रेट को गवर्न करने वाले जीन होंगे। तो ये तो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं, मतलब ये क्रोमोजोम एक ही टाइप का क्रोमोजोम है। वैसे ही ये एक टाइप के क्रोमोजोम है, एक टाइप के क्रोमोजोम है। 22 पेयर्स तक अगर आप आओगे तो 22 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं मेल में, 22 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं मेल में, ऑटोजोम, लेकिन अभी सेक्स क्रोमोजोम बच रहा है, तो एक हो गया सेक्स क्रोमोजोम में एक्स और एक हो गया वाई, तो एक्स भी अलग टाइप का है, वाई भी अलग टाइप का है। तो अगर हम मेल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो मेल में आपके, अगर हम ऑटोजोम्स की बात करें, ऑटोजोम्स तो कितने होते हैं, 22 पेयर्स, राइट। और अगर सेक्स क्रोमोजोम की बात करें, सेक्स क्रोमोजोम की, तो उसमें एक्स हो गया एक और एक हो गया वाई, तो यहाँ पर देखो कितने लिंकेज ग्रुप हो गए, 22 + 2, 24 लिंकेज ग्रुप, है ना। क्यों, देखो 24 टाइप ऑफ क्रोमोजोम आपको मेल में दिखाई दे रहे होंगे, 22 तो यहाँ तक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेकर 22, ये 22 अलग अलग टाइप के क्रोमोजोम है, X अलग टाइप का क्रोमोजोम है, Y अलग टाइप का क्रोमोजोम है, तो 22 और प्लस X प्लस Y, तो 24 लिंकेज ग्रुप होते हैं मेल में, याद रखना। लेकिन अब जब हम फीमेल की बात करेंगे, जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में देखो सेम 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम तो होते ही, मतलब 22 डिफरेंट क्रोमोजोम, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 22 तक, इसमें दोनों ही क्या है, X क्रोमोजोम है, मतलब ये भी
दोनों एक 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 टाइप के ही क्रोमोसोम है, ये भी एक्स ये भी एक्स, तो इसको आप एक ही काउंट करोगे 23rd पेयर। तो यहाँ पर मेल फीमेल की बात करें तो 23 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं फीमेल्स में। तो जितने डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम उतने ही लिंकेज ग्रुप किसी भी स्पीसीज में होंगे, राइट? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ लिंकेज ग्रुप के बारे में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार समराइज कर देते हैं। मेल की बात हमने की थी, मेल में ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 पेयर्स। एक्स क्रोमोसोम एक होता है, वाई क्रोमोसोम एक होता है, टोटल होता है 24। मेल में 24 लिंकेज ग्रुप होते हैं, वैसे ही फीमेल में 23 लिंकेज ग्रुप होते हैं, है ना? और लिंकेज ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप ऑफ ए स्पीसीज इज टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम ऑफ दैट स्पीसीज, है ना? चलिए, इसके बाद अब हम बात करेंगे कि लिंकेज जो होता है वो कितने टाइप का होता है ना? किस किस कैटेगरीज में लिंकेज को डिवाइड किया है, लिंकेज किस किस तरीके से हो सकता है। तो देखो, लिंकेज मेनली आपको, आप जब लिंकेज पढ़ते हो तो उसमें या तो एक कंप्लीट लिंकेज होगा, ओके, या तो होगा इनकम्प्लीट लिंकेज, या तो बिल्कुल भी लिंकेज होगा ही नहीं। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट? तो अब हमको ये समझना है कि कंप्लीट लिंकेज कब होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज कब होगा, और लिंकेज कब नहीं होगा। तो यहां पर ध्यान देना कि इनकम्प्लीट लिंकेज को आप पार्शियल लिंकेज भी बोलते हो, राइट? मतलब कुछ थोड़ा बहुत लिंकेज होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता। अब कंप्लीट लिंकेज कब होगा? जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ध्यान रखना कि कंप्लीट लिंकेज के केस में क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं होता, है ना? अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, है ना? तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है दो अलग क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होना, राइट? तो अगर एक्सचेंज होगा ही नहीं, अगर देर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर, तो जब एक्सचेंज होगा ही नहीं तो जीन्स एक साथ रहेंगे, कंप्लीट लिंकेज होगा। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल, राइट? और जो जहां पर अनलिंक्ड जीन्स होते हैं, मतलब जो जीन्स अलग अलग क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर कोई लिंकेज देखने को मिलता ही नहीं, राइट? अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट लिंकेज की। तो देखो, आपको पता है कि लिंकेज का मतलब जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम में शो कंप्लीट लिंकेज, वो एक साथ ही रहते हैं, है ना? तो जैसे कि यहां पर आप जब देखोगे कि कंप्लीट लिंकेज कैसे होता है, तो देखो यहां पर, ये यहां पर जब आप देखोगे तो ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ओके, जिसपे आप यहां देख सकते हो कि एक पेयर, एक मेंबर में यहां पर डोमिनेंट अलील है और इधर रिसेसिव अलील है, वैसे यहां पर डोमिनेंट और यहां पर रिसेसिव अलील प्रेजेंट है, राइट? तो अब जब इस इंडिविजुअल का गैमेट बनेगा, ये एक इंडिविजुअल है जिसमें ये एक पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, मान लीजिए पेयर नंबर 1 है, और इसमें दो जीन्स हैं, जीन ए और जीन बी। जीन ए एंड जीन बी आर कंप्लीटली लिंक्ड, राइट? कंप्लीटली लिंक्ड क्योंकि ये बिल्कुल एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है ना? ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, यहां पर देखो ए और बी। अब जब इसका गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट फॉर्मेशन होने से पहले क्या होता है, डबलिंग हो जाती है क्रोमोसोम की, है ना? तो इस वाले क्रोमोसोम की डबलिंग होगी, यहां पर देखो इस वाले क्रोमोसोम की डबलिंग हो रही है और इस वाले क्रोमोसोम की डबलिंग हो रही है। तो डबलिंग होती है तो जो कंटेंट होता है क्रोमोसोम का वो डबल हो जाता है, राइट? तो यहां देखो, यहां देखो, डबल हो गया कंटेंट, अब इधर भी कंटेंट डबल हो गया, राइट? अब क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो देखो, यहां से एक क्रोमोसोम का स्ट्रैंड आया, यहां से क्रोमोसोम का स्ट्रैंड आया, वैसे ही यहां से क्रोमोसोम का स्ट्रैंड आया और यहां से आया, ओके? तो देखो, जब गैमेट्स फॉर्मेशन हुए तो ये ए जीन और बी जीन के दोनों डोमिनेंट अलील्स यहां पर एक साथ ही रहे, यहां पर भी एक साथ रहे, और स्मॉल ए स्मॉल बी मतलब रिसेसिव वाले एलील्स एक साथ यहां पर गैमेट्स में ट्रांसफर हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कॉम्बिनेशन
पेरेंट में था, इस इंडिविजुअल में था पहले, ये दोनों डोमिनेंट अलील्स एक साथ प्रेजेंट थे, रिसेसिव अलील एक साथ प्रेजेंट थे, गैमेट्स का जब फॉर्मेशन हुआ वहां पर भी सेम कॉम्बिनेशन रहा, कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ रहे, स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ रहे, चाहे आप कोई सा भी क्रोमोसोम का स्ट्रैंड देख लो, कोई सा भी गैमेट आप देख लो, ये अलग गैमेट हो जाएगा गैमेट नंबर वन, ये अलग गैमेट हो जाएगा गैमेट नंबर टू, ये अलग गैमेट में जाएगा और ये अलग गैमेट में जाएगा, तो चार अलग टाइप के गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे। चारों का ही आप अगर कॉम्बिनेशन उठाकर देखोगे तो ऑल विल बी पेरेंटल टाइप, है ना, पेरेंटल टाइप मतलब पेरेंट में भी कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ है और यहां पर भी कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ है, पेरेंट में भी स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ है और गैमेट्स में भी स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ है। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं वो एक साथ ही रहते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में, और जब नेक्स्ट प्रोजनी में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तब भी वो एक साथ ही रहते हैं, तो इसको बोला जाता है कंप्लीट लिंकेज। ओके, तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, ऑल गैमेट्स आर ऑफ पेरेंटल टाइप, ईदर कैपिटल ए कैपिटल बी बोथ डोमिनेंट और स्मॉल ए स्मॉल बी बोथ रिसेसिव। यहां पर कोई भी रिकॉम्बिनेंट गैमेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिकॉम्बिनेंट गैमेट का मतलब क्या कि जो पेरेंट से अलग हो, है ना। अब पेरेंट से अलग कैसे, जैसे पेरेंट में आप देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी एक साथ थे, स्मॉल ए और स्मॉल बी एक साथ थे, तो ये हो गया पेरेंटल टाइप, है ना। रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहे हैं कि अगर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ जाता या स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाता तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो जहां पर कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलता है वहां पर रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स नहीं होते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद चलते हैं हम इनकम्प्लीट लिंकेज के पास। तो इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि देखो यहां पर लिंकेज कैसा है, इनकम्प्लीट मतलब लिंकेज तो है लेकिन अधूरा है, कुछ जीन्स तो लिंक्ड रह जाते हैं और कुछ जीन्स अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे कुछ दोस्त साथ रह जाते हैं और कुछ दोस्त बिछड़ जाते हैं, वैसे ही यहां पर जीन्स के बीच में दोस्ती ऐसी होती है, कुछ कुछ जीन्स जो होते हैं वो सच्चे दोस्त होते हैं तो साथ में ही चले जाते हैं नेक्स्ट पॉजनी में, और कुछ कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो दगा दे देते हैं, बेवफाई कर लेते हैं, तो वो अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे लिंकेज अधूरा रहता है, समझ लो, इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। और ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। अभी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, देखो जब आप मियोसिस पढ़ोगे तब क्रॉसिंग ओवर के ऊपर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि इवन द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम गिव्स रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन। अब इससे पहले जब हम कंप्लीट लिंकेज की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने क्या बात की थी कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में भी एक साथ ही रहते हैं, लेकिन हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इवन द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स का अरेंजमेंट होने के बावजूद जो गैमेट्स बनते हैं वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के बनते हैं, मतलब कि हो सकता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट क्रॉसिंग ओवर हुआ हो, मतलब जीन्स एक्सचेंज हो गए हों एक दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ। जैसे कि कैसे, यहां पर देखो ये है होमोलोगस पेयर का, ये है आपका होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। आपको पता है कि होमोलोगस पेयर में एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है कि यहां पर मतलब दोनों ही क्रोमोसोम्स पर होमोलोगस पेयर में सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, या एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट होगा दूसरे पर रिसेसिव होगा, या दोनों पर डोमिनेंट या दोनों पर रिसेसिव हो सकता है, ये चीजें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो यहां पर देखो, यहां पर कैपिटल ए प्रेजेंट है तो यहां पर स्मॉल ए प्रेजेंट है, यहां पर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो यहां पर स्मॉल बी प्रेजेंट है, ये एक जीन है ना, जीन बी और ये जीन ए, मतलब ये पूरा जीन एक है, ये जीन एक है लेकिन दोनों के रिसेसिव, दोनों के अलील्स अलग अलग हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, राइट। तो अब यहां पर क्या होता है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होना होता है तो कंटेंट डबल होता है, आपको पता है। जब कंटेंट डबल होता है तो देखो यहां पर कंटेंट इस वाले गैमेट का डबल हो गया यहां पर, है ना, दो स्टैंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एक दूसरे के, है ना।
और अगर हम बात करें इसकी और इसकी, तो ये होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और आपको पता है कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही होता है। तो यहाँ पर देखो कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होते हैं। और आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो सकता है। देखो हम जब बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स का, वहां पर भी मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करके आपको समझाने की कोशिश की थी। तो आप प्लीज मेरी पीछे की सारी वीडियोस देखकर यहां तक आए, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बीच में। ओके, तो गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता ही है, मियोसिस होता है, मियोसिस के टाइम पर क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट। तो यहां पर देखो कि ये जो क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हैं। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखो अब जब इसके आगे का जो प्रोसेस है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हुआ कि ये वाला जो स्मॉल बी था वो इधर आ गया, और ये वाला जो कैपिटल बी था वो इधर आ गया, है ना, राइट। देख रहे हो आप, अब देखो यहां पर अगर आप पेरेंट की बात करोगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी एक क्रोमोसोम पर दोनों कैपिटल कैपिटल ही प्रेजेंट थे, मतलब दोनों डोमिनेंट ही प्रेजेंट थे। लेकिन यहां पर देखो चेंज आ गया, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया और यहां स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया, राइट। तो अब क्या होगा जब गैमेट्स बनेंगे, तो देखो यहां पर ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए क्योंकि अलग अलग गैमेट्स में जाना है, तो स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया है। इस वाले में स्मॉल ए स्मॉल बी है, जब इसका सेपरेशन हुआ यहां से तो कैपिटल ए स्मॉल बी और इधर कैपिटल ए कैपिटल बी। तो यहां पर देखो कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है, बावजूद इसके कि दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो दोनों जीन बिछड़ सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि रिकॉम्बिनेंट टाइप के गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखो किस टाइप के गैमेट्स मिल रहे हैं, तो एक ये वाला जो गैमेट है इसको देखो, इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी प्रेजेंट है, राइट, कैपिटल ए कैपिटल बी। इस वाले में कैपिटल ए स्मॉल बी, तो ये रहा कैपिटल ए स्मॉल बी। ओके, इसकी बात करेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, और इसकी बात करेंगे तो स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो जब इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स भी आपको मिलेंगे, है ना। कितने रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे, कितने पेरेंट्स मिलेंगे, तो देखो आधे यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 25% मतलब 50% पेरेंटल दिखाई दे रहे होंगे। पेरेंटल मतलब ये वाला पेरेंटल है और ये वाला पेरेंटल है, तो 25% इस टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, 25% इस टाइप के। लेकिन जब टोटल आप करोगे तो 50% पेरेंटल मिल रहे हैं और 50% रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं। ओके, तो ये होता है कंसेप्ट इनकम्प्लीट लिंकेज का। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि नो लिंकेज मतलब अनलिंक्ड जीन का क्या कंसेप्ट होता है। ओके, चलो तो अब यहां पर हम देखेंगे कि जब लिंकेज नहीं होता बिल्कुल भी, देर विल बी नो लिंकेज, तो क्या होगा। अनलिंक्ड जीन्स के बीच में क्या होता है, देर विल नॉट बी लिंकेज बिटवीन जीन्स इफ दे विल बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर जब जीन्स अरेंज्ड होते हैं तो उन जीन्स के बीच में लिंकेज नहीं होगा। मान लीजिए कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, एक पेयर का होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, मतलब ये होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम का पेयर है, और एक ये होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है। तो इनके ऊपर जो जीन्स अरेंज्ड हैं और इनके ऊपर जो जीन्स अरेंज्ड हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी लिंकेज कभी नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंटली अलग असॉर्ट होगा, ये इंडिपेंडेंटली अलग असॉर्ट होगा। लेकिन ये जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए इसके ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट है, ये एक साथ ही नेक्स्ट प्रोजेनी में जाएंगे। ओके, तो यहां पर देखो कि ये मान लीजिए ये एक होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है, पेयर नंबर वन, ये है पेयर नंबर टू। ओके, तो जब इसका गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में ये वाला भी क्रोमोसोम जा सकता है इस पेयर का, और ये वाला भी क्रोमोसोम जा सकता है, मतलब ये भी जा सकता है और ये भी जा सकता है। यहाँ से जब बनेगा तो ये पेयर भी जा सकता है, ये वाला भी जा सकता है क्रोमोसोम, और ये भी जा सकता है।
तो दोनों ही क्रोमोसोम के जाने के चांसेस गैमेट में 50-50% होते हैं। ओके, और अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो देखो गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा तो अब ऐसा जरूरी नहीं कि इस वाले के साथ, इस वाले क्रोमोसोम के साथ ये वाला ही जाए या ये वाला ही जाए, इसके साथ ये भी कंबाइन हो सकता है, ये भी कंबाइन हो सकता है, और इसके साथ ये भी कंबाइन हो सकता है और ये भी कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो इसके बेसिस पे जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो अलग अलग टाइप के गैमेट्स फॉर्मेशन हो सकते हैं। ओके, तो ये होता है अनलिंक जीन्स का जब ट्रांसमिशन होता है, राइट। अब यहां पर देखो, अनलिंक जीन्स का मतलब कि जो जीन्स इस पे प्रेजेंट है वो इस पर ही रहेंगे और जो जीन्स इस पर प्रेजेंट है वो इस पर ही रहेंगे। ये अलग जा सकते हैं, ये अलग जा सकते हैं, इनके बीच में कोई भी लिंकेज जो शो नहीं होगा। चलो अब हम चलते हैं आगे। हम बोल रहे थे कि जो रिकॉम्बिनेंट्स है, रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट प्रोसेस। तो पहला हमने पढ़ा कि क्रॉसिंग ओवर जब होता है दो क्रोमोसोम्स के बीच में, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, तो वहां पर रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स होने के चांसेस होते हैं। और रिकॉम्बिनेंट का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर 50% के बीच में, राइट। दूसरे जो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बन सकते हैं वो बन सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू। ओके, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स तो बनेंगे ही बनेंगे, आपको पता है क्यों, क्योंकि जब दो जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे तो जो गैमेट्स होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस होंगे ही, है ना, क्योंकि अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो इस केस में ऑल इट विल द रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स विल बी ऑलवेज 50% राइट। अब यहां पर देखो कि यहां पर एक चीज समझना कि दो जीन्स, जैसे मान लीजिए एक जीन यहां पर प्रेजेंट है और एक जीन यहां पर प्रेजेंट है, ओके, तो जब ये नेक्स्ट प्रोजनी में जाएंगे तो जितना पास ये एक दूसरे के रहेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे लिंकेज के, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे इसके नेक्स्ट प्रोजनी में साथ में जाने के, राइट। लेकिन दो जीन्स, मान लीजिए एक जीन यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट प्रोजनी में जब इनका ट्रांसमिशन हो तो ये दोनों जीन अलग अलग इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिशन इनका हो। कैसे, क्योंकि जितना दूर रहेंगे एक दूसरे से तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो चांसेस ये हो सकते हैं कि ये वाला इतना पार्ट इस वाले फ्रेगमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाए, तो ये वाला जो जीन है वो इसी क्रोमोसोम में रह जाएगा लेकिन ये वाले, इसके नीचे जितने भी जीन्स हैं ये इस वाले क्रोमोसोम में आ जाएंगे। तो दो जीन्स जितना एक दूसरे के क्लोज रहते हैं लिंकेज होने के चांसेस उतना ज़्यादा होते हैं, और दो जीन्स जितना ज़्यादा दूर होते हैं क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा और लिंकेज होने के चांसेस उतना ही कम। तो क्रॉसिंग ओवर कब हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट कब आ सकते हैं, जब दो जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर हो या दो जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो पहले से ही, तब रिकॉम्बिनेंट होने के चांसेस आ सकते हैं। तो दो केसेस में, एक तो क्रॉसिंग ओवर के केसेस में और एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस कब आता है, जब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, राइट। तो इफ रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे देखो, इफ रिकॉम्बिनेशन इज लेस देन 50% तो वहां पर इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, है ना, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है कि कंप्लीट लिंकेज भी नहीं है और कंप्लीटली जीन्स अनलिंक्ड भी नहीं है। तो यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बनेंगे वो 50% से कम ही बनेंगे, ओके। तो जब रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स 50% से कम होंगे तो पेरेंटल टाइप 50% से ज्यादा होंगे, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स 50% से कम होती है, पेरेंटल 50% से ज्यादा होती है, जो कि आगे वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। अगर रिकॉम्बिनेशन होगा, इफ रिकॉम्बिनेशन विल अकर, तो क्या होगा, इफ रिकॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू 50%, अगर 50% रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब 50% गैमेट्स रिकॉम्बिनेंट टाइप के होंगे, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू हुआ होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में जो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बनते हैं वो 50% बनते ही बनते हैं, है ना।
तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में क्या होगा, वहां पर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होंगे, तो जो रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बनेंगे वो मैक्सिमम 50% हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर उससे कम ही रहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में 50% तो गैमेट्स रिकॉम्बिनेंट बनेंगे ही बनेंगे, राइट। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड विद ईच अदर, ये आपको पता है, देयर विल बी नो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ओके। और जो गैमेट्स बनेंगे दे विल बी 100% ऑफ पेरेंटल टाइप, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज है, रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं रहा, तो जितने भी गैमेट्स बनेंगे सारे कैसे होंगे, पेरेंटल टाइप होंगे, वो ऐसे होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी, इस टाइप के, राइट। कैपिटल ए स्मॉल बी ऐसा कुछ नहीं होगा, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना है, 0% रिकॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, इसलिए 0% रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बनेंगे। अगर बात करते हैं हम पार्शियल लिंकेज की, तो पार्शियल लिंकेज का मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज, और वहाँ पर चांसेस होते हैं क्रॉसिंग ओवर के, राइट। तो यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पर पेरेंटल गैमेट्स ज़्यादा बनेंगे, है ना, और रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स कम बनेंगे, तो परसेंटेज ऑफ पेरेंटल गैमेट्स विल बी मोर एज कम्पेयर टू परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, ये बात आपको याद रखनी है। और जब लिंकेज नहीं होगा दो जीन्स के बीच में आपस में, उस केस में जब ट्रांसमिशन होगा तो 50% पेरेंटल मिलते हैं और 50% रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है ना। इस केस में अब दो जीन्स आपस में जब लिंक्ड नहीं होते तो वो कब हो सकते हैं, या तो द जीन्स आर लोकेटेड वेरी डिस्टेंटली ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं हो सकते, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के ड्यूरेशन में वो अलग अलग हो जाएंगे, या तो वो पहले से ही अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड हो, तब उनके बीच में कोई भी लिंकेज नहीं होगा, और उस केस में जो गैमिट्स बनेंगे वो बनेंगे 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट। चलिए अब यहाँ पर कुछ और ट्रिक्स हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि 1% रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो जीन्स के बीच में 1 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, मतलब कि मान लीजिए एक जीन ये है और एक जीन ये है, इसके बीच में 1 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, ये इसका यूनिट होता है डिस्टेंस का जीन्स के बीच में, तो जितना सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होता है उतना ही परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन दो जीन के बीच में हो सकता है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पर देखो, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज 10 सेंटीमॉर्गन तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज विल बी 10%, तो जितना ज़्यादा दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, हायर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स हायर द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये आपको समझ में आ गया, जितना जीन्स जितना ज़्यादा दूर एक दूसरे से जीन्स होंगे, है ना, यहाँ पर समझो ध्यान से, ये जीन यहाँ पर है, ये जीन यहाँ पर है, ओके, एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, जितना ज़्यादा दूर होंगे तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो इतना फ्रेगमेंट, ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये जो जीन है वो इस क्रोमोसोम में आ जाएगा और ये जीन इस क्रोमोसोम में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर लोकेटेड थे, अगर पास में होते मतलब ये वाला जीन यहाँ होता और ये वाला जीन यहाँ होता, तो जब ये फ्रैगमेंट इधर जाता ऊपर तो ये दोनों आपस में एक साथ ऊपर चले जाते, तो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा चांसेस होगा रिकॉम्बिनेशन का, उतना ज़्यादा चांसेस होगा एक्सचेंज का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक पेरेंट है जिसका जो फिनोटाइप है वो येलो राउंड है, मतलब ये बिल्कुल प्योर है, ओके, ये कैसा है, एकदम प्योर है ना, और ये भी प्योर, जब इनके बीच में क्रॉस कराया इनके गैमिट्स बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, और एफ वन प्रोजनी जो आएगी वो इस तरीके से आएगी, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। जब इसके बीच में आप सेल्फिंग कराओगे, है ना, तो देखो यहाँ पर जब आपने सेल्फिंग कराई तो इसके बीच में सेल्फिंग कराओगे तो गैमिट्स ये बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज ये हो सकते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, है ना, वैसे ही यहाँ पर गैमिट्स बनेंगे। इसके बाद जो प्रोजनी आई एफ टू जनरेशन में वो ये है, मतलब 445 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनका फिनोटिपिक क्लास येलो राउंड है,
445 ऐसे हैं जिनका ग्रीन रिंकल्ड है, 51 ऐसे हैं जिनका येलो रिंकल्ड है, और 49 ऐसे हैं जिनका ग्रीन राउंड है। तो यहाँ पर पेरेंट से आप कंपेयर करो एक बार, पेरेंट में कौन कौन से फिनोटिपिक क्लास थे, येलो राउंड, तो देखो येलो और राउंड ये पेरेंटल टाइप है, और यहाँ ग्रीन रिंकल्ड, तो ये ग्रीन रिंकल्ड ये भी पेरेंटल टाइप है। तो पेरेंटल टाइप के इंडिविजुअल्स कितने मिले, 900। बट ये जो आप देखोगे येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड, ऐसा कोई भी फिनोटाइप यहाँ पर पेरेंट्स में आपको नजर नहीं आएगा। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है रिकॉम्बिनेंट टाइप, और वो कितने मिले आपको, 100। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी इनटू 100। तो यहाँ पर निकालते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी कितनी है, 100 डिवाइड कर दो, टोटल कितना हो गया, 1000 इनटू 100। तो देखो यहाँ पर इससे ये कट गया, आया 10%। तो 10% रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन कितनी है, 10%। इस तरीके से आप यहाँ क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक मैपिंग, और ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर से रिलेटेड, फिर रैपअप करेंगे। तो जेनेटिक मैपिंग का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मैपिंग हम यूज़ क्यों करते हैं, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द लिंकेज ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स अरेंज्ड हैं उनके बीच में लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक मैपिंग। और जेनेटिक मैपिंग को हम जीन, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और जीन्स का ऑर्डर पता करने के लिए यूज़ करते हैं, कि दो जीन्स का मतलब जो जीन्स अरेंज है उनका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स लोकाई इंक्रीज, अगर इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जब क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, कि डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जितना ज़्यादा डिस्टेंटली लोकेटेड होंगे दो जीन्स एक दूसरे से, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उनका इंडिपेंडेंट असॉर्ट होने का चांसेस ज़्यादा होगा। ओके, चलिए यहाँ पर अब आपको समझ में आ ही चुका है, 1% क्रॉसिंग ओवर या 1% रिकॉम्बिनेशन का इक्वल होता है किसके, 1 मैप यूनिट के या 1 सेंटीमॉर्गन के, ये आपको याद रखना है ना। और मैप डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी सेम वैसा ही होता है जैसे परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का होता है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। तो ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व करने वाले हैं वहाँ पर आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सपोज, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सपोज टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है मान लिया, ओके, एंड वाई कैपिटल आर इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद स्मॉल वाई स्मॉल आर इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर। तो एक बार इसको बना लेते हैं, यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आई को क्रॉस कराया स्मॉल वाई स्मॉल आर, राइट, इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, और F1 जो इंडिविजुअल है उसमें उसका जीनोटाइप कुछ इस तरीके से होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट, यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। देखो जेनेटिक्स के क्वेश्चन को आपको सिंपल बनाकर ही सॉल्व करना होगा, आप पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो और उसको लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। द वाई वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ऑफस्प्रिंग आर देन सेल्फ क्रॉस्ड विद, ये सॉरी यहाँ पर सेल्फ क्रॉस नहीं आएगा, यहाँ पर टेस्ट क्रॉस आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ रहे थे वहाँ पर बताया था कि F1 का जब हम रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। तो हमने यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग कराई स्मॉल वाले वाई स्मॉल आर वाले पेरेंट के साथ, मतलब रिसेसिव वाले फिनोटाइपिक क्लास के पेरेंट के साथ। तो यहाँ पर देखो F2 जनरेशन में ये बोल रहा है, देयर वर टोटल 500 ऑफस्प्रिंग्स वर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन, टोटल कितने मिले, 500, अमॉन्ग दीज 400 इंडिविजुअल्स वर पेरेंटल एंड 100 वर रिकॉम्बिनेंट। पेरेंटल कितने थे,
पेरेंटल थे 400 और रिकॉम्बिनेंट थे 100। जितना जितना बोल रहा है उतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड मैप डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। ओके, तो यहाँ पर हमको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है और दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल है, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, 100 डिवाइडेड बाय टोटल क्या है 500 इंटू 100। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करके निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 20%। तो मतलब 20% रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस हैं। तो जितना रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आता है उतना ही डिस्टेंस होता है, 20 सेंटीमॉर्गन या 20 मैप यूनिट इसका आंसर होगा। मतलब वाई एंड आर द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाई एंड आर इज 20 सेंटीमॉर्गन। ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पर होंगे और उनके बीच में डिस्टेंस होगा वो 20 सेंटीमॉर्गन होगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी इज क्रॉस्ड विद स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल बी। ओके ठीक है, क्रॉस करा देते हैं। कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी इंटू स्मॉल 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 स्मॉल। ठीक है, इसका जो एफ वन प्रोजनी आएगा वो ऐसा आएगा, आपको पता है, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो उसमें, है ना। एफ वन को आप टेस्ट क्रॉस कराओगे, एफ वन इंटू ये कराना है आपको, तो आपने करा दिया। ठीक है, अब क्या हो, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप ए ए बी बी स्मॉल ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी स्मॉल बी इन एफ टू जनरेशन इफ जीन्स आर अनलिंक्ड जीन्स आर कंप्लीटली लिंक्ड 10 मैप यूनिट अपार्ट 24 मैप यूनिट अपार्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आप कैसे निकालोगे इसका। ये पूछ रहा है कि जो F2 जनरेशन आएगी, F2 जनरेशन में स्मॉल a स्मॉल b का परसेंटेज कितना होगा, और चार कंडीशन में आपको निकालनी है। तो पहला कंडीशन क्या है, अनलिंक्ड। तो पहला अनलिंक्ड का निकालते हैं। अनलिंक्ड के केस में मैंने आपको बताया था, आप याद करो, कि 50% पेरेंटल होती है गैमेट्स और 50% रिकॉम्बिनेंट होता है, राइट। और यहां पर पेरेंटल क्या है, देखो पेरेंटल क्या है, ये पेरेंटल है, तो 50% पूछा है ना। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों पेरेंटल है और ये इनका परसेंटेज कितना होगा 50%। मतलब ये दोनों को मिलाकर 50% टोटल इंडिविजुअल्स होंगे। इसमें से सिर्फ आपको क्या पूछा है, इसका स्मॉल ए स्मॉल बी का परसेंटेज। तो देखो ये वाला किस कैसा है, पेरेंटल कैटेगरी का है, देखो मैच करो यहाँ से। और पेरेंटल कितने आते हैं 50%, उसमें से भी 25% तो इस वाले फिनोटाइपिक क्लास का होगा, तो बचा हुआ ही सिर्फ इतना होगा। तो इसका जो परसेंटेज होगा वो होगा 25%, राइट। तो ये हो गया पहले वाले केस के रिलेटेड, अनलिंक्ड होंगी जब जीन्स। दूसरा निकालते हैं कंप्लीटली लिंक्ड के केस में। तो इसको हम अलग कलर से डिनोट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेकेंड का निकालते हैं कि जब जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड होंगे, और आपको पता है कि जब जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड होते हैं तो वहां पर रिकॉम्बिनेंट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होता, है ना। तो पेरेंटल गैमेट्स और पेरेंटल टाइप के इंडिविजुअल्स ही मिलेंगे आपको सारे के सारे 100%। और दो ही टाइप के पेरेंटल इंडिविजुअल्स पेरेंटल फिनोटाइप्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो जब सारे के सारे पेरेंटल टाइप के ही मिल रहे हैं तो ये 50% हो जाएगा और ये 50% हो जाएगा। तो आपको पहला और दूसरा समझ में आ गया है ना। आपको बस ये पता रखना है कि वो क्या पूछ रहा है, अनलिंक्ड पूछ रहा है, कंप्लीटली लिंक्ड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, राइट। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट को, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो अब हम निकालते हैं थर्ड का। थर्ड में बोला है कि 10 मैप यूनिट अपार्ट,
ओके, इसका मतलब ये कि 10 मैप यूनिट का मतलब 10% यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके, अब ध्यान से समझना इस चीज को, अगर 10% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब कि 10% तो रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे आपको यहाँ पर, और 90% आपको मिलेंगे क्या, पेरेंटल। ओके, अब ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी है ये क्या है, ये तो पेरेंटल टाइप है। अब बस आपको इसको ध्यान में रखना है कि 90% पेरेंटल में है, दो ही टाइप के पेरेंटल हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल 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 स्मॉल। तो 90% में से आधे तो ये होंगे 45%, तो बचाइए तो ये भी कैसा होगा 45%, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, तो फोर्थ सॉल्व करते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या है इसका कि 24 मैप यूनिट, इसका मतलब क्या है कि 24% रिकॉम्बिनेशन। तो अब जब 24% रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी आएगी तो 100% में से 24% को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 76% पेरेंटल टाइप की होंगी, और इसमें से दो टाइप के पेरेंटल होते हैं आपको पता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल बी, ठीक है। अब 76% का आधा परसेंटेज तो ये हो गया, आधा ये हो गया, तो कितना आएगा 38% आपका ये वाला होगा और 38% आपका ये वाला होगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है इफ टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, एंड आर नोन टू बी 12 मैप यूनिट अपार्ट, 12 सेंटीमॉर्गन मतलब, कैपिटल 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 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड व्हेन स्मॉल 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 इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस, ये यहाँ तक सब आपको पता है ना। अब क्या बोला इसने कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी ऑफस्प्रिंग आर देन टेस्ट क्रॉस्ड क्रॉस्ड, हाँ टेस्ट और मतलब इसके साथ क्रॉस कराया, तो करा लेते हैं, इसको कराया इन्होंने इसके साथ, ठीक है। तो आपको कैसा मिलेगा एफ टू जनरेशन में कैसा मिलेगा, तो पहले यहाँ पर इसके गैमेट्स बना लेते हैं, गैमेट्स इसके इस तरीके से बन सकते हैं इस वाले पेरेंट्स के, है ना, और इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे आपको पता है। ओके, अब इसमें देखो इन चारों के साथ ही इस गैमेट का फ्यूजन होगा, तो ये चार टाइप के आपको दिखाई देंगे इंडिविजुअल्स इन चार टाइप्स के, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि इफ द क्रॉस प्रोडक्ट्स 1000 ऑफस्प्रिंग, एफ टू जनरेशन है ये, ठीक है, एफ टू में 1000 ऑफस्प्रिंग आए हैं, देन व्हाट आर द प्रिडिक्टेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग विद ईच ऑफ द फोर जीनोटाइप्स, ये जो फोर जीनोटाइप्स आ रहे हैं इनके कितने कितने इंडिविजुअल्स होंगे 1000 में से। तो सिंपल है, देखो यहां पर अब आप देखो कि 12 मैप यूनिट बोला था इसने स्टार्टिंग में, राइट। तो अब देखो यहां पर 12 मैप यूनिट का मतलब क्या हुआ, 12 मैप यूनिट का मतलब हुआ 12% रिकॉम्बिनेशन, मतलब 12% तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी आएगी एफ टू जनरेशन में, और बाकी बचे हुए कैसे आएंगे पेरेंटल। तो पेरेंटल कितने आए 1200 में से आप 12 माइनस करोगे तो 88%, है ना। तो यहां पर देखो कि 1000 का 88% कितना आएगा 880, और ये आएगा 120, मतलब रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी कितनी आएगी 120 और पेरेंटल प्रोजनी कितनी आएगी 880। ओके, तो सिंपल है। अब यहां पर आपको पहचानना होगा पेरेंटल कौन सा है और रिकॉम्बिनेंट कौन से हैं। देखो पेरेंटल आपको नजर आ रहा होगा कहाँ पर, देखो एक ये पेरेंटल है और ये पेरेंटल है, तो यहाँ देखो पेरेंटल वालों को ढूंढो, एक तो ये पेरेंटल हो गई और एक ये पेरेंटल हो गया, ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट वाले हैं ये हैं, ये रिकॉम्बिनेंट वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों के पीछे रिकॉम्बिनेंट लिख देते हैं, रिकॉम्बिनेंट तो 120 को डिवाइड कर दो 60 ए
सिक्सटी ये, पेरेंटल वाले बचे 880, तो 440 ये और 440 ये। तो बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं अपने जेनेटिक्स के और कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो जैसे मैंने बताया जेनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चले जाना है। ओके, तो ये था जेनेटिक मैपिंग और जेनेटिक लिंकेज के बारे में, इसलिए हमने साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप आज के सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट्स और जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो आपको अच्छे से समझ में आए हो, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीन मैपिंग के बारे में, वो टॉपिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।